नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। व्यापारी बड़े चतुर होते हैं, अपना नफा नुकसान अच्छे से जानते हैं, बेवजह एक पैसा खर्च नहीं करते। बात करें व्यापार में पार्टनरशिप की तो वो तो फिर बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि किसी ने भगवान को अपने बराबर का पार्टनर बना लिया है, सिर्फ चढ़ावा ही नहीं चढ़ा रहे बल्कि अपने व्यापार का आधा हिस्सा देते हैं, यहाँ तक कि अफीम की खेती की जाती है और अच्छी होती है खेती तो चांदी से बनी अफीम चढ़ाई जाती है, सोने की बाइक, बांसुरी और न जाने क्या क्या। जी हाँ, सांवरिया सेठ को धन्यवाद के रूप में चढ़ाया जाता है। थोड़ा अचरज भरा जरूर है, लेकिन ये सच है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कृष्णधाम सांवरिया सेठ की ख्याति ही कुछ ऐसी है कि लोग सांवरिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, जिसके चलते हर महीने सांवरिया सेठ का भंडारा करोड़ों की संपत्ति से भरा होता है, साथ ही सोने चांदी का अंबार लगा रहता है। लोग धन की गिनती करते करते थक जाते हैं, लेकिन यह अपार धन खत्म नहीं होता। तो चलिए आज आपको भी बताते हैं कि आखिर सांवरिया सेठ की स्थापना कैसे हुई और क्यों इस मंदिर की इतनी मान्यता है। किंवदंतियों की माने तो औरंगजेब की मुगल सेना जब मंदिरों को तोड़ रही थी, तब मेवाड़ के मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों का पता लगा। इन मूर्तियों को बचाने के लिए महान संत दयाराम ने बांगुड़ भादसोड़ा की छापर में एक बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इन्हें दबा दिया। समय बीतने के साथ ही संत दयाराम स्वर्ग सुधार गए। इसके बाद मनफिया गाँव में एक दिन भोलाराम गुजर नाम के एक ग्वाले को सपना आया। इस सपने में उसे मूर्तियाँ पेड़ के नीचे दबी थी। जब उस जगह को खोदा गया तो सपना सच निकला। वहां से एक जैसी चार मूर्तियां प्रकट हुई। देखते ही देखते ये खबर चारों ओर फैल गई और आसपास के लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसके बाद मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से सांवरिया सेठ का मंदिर बनवाया गया, भव्य। दरअसल सांवरिया सेठ की मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। व्यापार जगत में इस मंदिर की सबसे ज्यादा ख्याति है। लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सांवरिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। 6 दशक पूर्व तक मनफिया में सांवरिया सेठ का एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, जहां औसतन हर महीने 250 रुपए की दान राशि निकलती थी, और अब इस भव्य मंदिर में भंडारे में हर महीने करोड़ों की राशि निकलती है। राजस्थान के इस भव्य मंदिर की ख्याति पूरे देश भर में है और इसके चमत्कार से सभी वाकिफ हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ, जो कि होगा बेहद दिलचस्प। नमस्कार।